हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। तो CIL का जो मॉक टेस्ट है वो ओपन हो चुका है। लिंक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक सिलेबस के लिए, एक मेरा मॉक टेस्ट के लिए। तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट पर यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको सारा दिखेगा कि ऐसे वैसे है, तो इसमें आपको कुछ भी मत डालिए, डायरेक्ट साइन इन कीजिए। वो आपका जो है टेस्ट का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ये जस्ट एक मॉक टेस्ट है, डेमो टेस्ट जो रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन, उसके बाद जो है आपका सारा क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लैंडस्केप मोड में इसे चेंज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ मिली वोल्ट्स इन 0.06 किलो वोल्ट। तो इसे आप सॉल्व देख लीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछने वाले हैं, किस तरह के जो आपको सिलेबस, किस तरह से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा 60,000 मिली वोल्ट, ठीक है। ये सिंपल, आप जो किलो वोल्ट को सबसे पहले आप इसे वोल्ट में चेंज कीजिएगा, जैसे 0.06 है यहाँ, इसे आप 0.06 × 10³ वोल्ट्स लिख सकते हैं। उसी तरह से आप इसको चेंज करके मिली वोल्ट किए, तो राइट आंसर मेरा 60,000 आएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। मूव 18,000 वाट इज सेम एज, तो 18,000 मतलब 18,000, तो 1,000 में क्या 1 किलो वाट होता, तो राइट आंसर यहाँ मेरा हो जाएगा डी, 18 किलो वाट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 4.4 × 10, यहाँ पे जो है 10^6 होगा, ठीक है। तो इसे बोरा की किस में हम लोग लिख सकते हैं, 10^6 क्या होता है, मेगा बोला जाता है। इसमें मेगा जो भी है आप इसे चेक करके मार लीजिए, 4.4 मेगा। 18,000 वाट, देखिए इसमें होता ही है कि मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देते, लेकिन जो है क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, तो इसमें मेनली बेसिकली आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 18,000 वाट इज सेम है, तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, तो 18 किलो वाट। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, तो इसका राइट आंसर होगा मेरा ओम, क्लिक करके नेक्स्ट। रेजिस्टेंस देखिए फिर से वही रिपीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही रिपीट हुआ, यहाँ ओम करके नेक्स्ट कीजिए। द नंबर 4 पॉइंट तक यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, जैसे मार्क टिक करके नेक्स्ट। द नंबर 65,000 एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन एस नंबर बिटवीन 1 और 10 टाइम्स ए पावर ऑफ 10 इज। तो देखिए इसमें बोला गया 65,000 को आप किस तरह और एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऑप्शन चेक करके ही बनाना होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा डी, 6.5 × 10^5, क्योंकि आप इसे अगर यहाँ से पॉइंट हटाइएगा 6.5 को, तो नीचे मेरा एक 10 आएगा, ओवर टेन कटेगा, तो 6530 जो कि सेम एज ये है, तो राइट आंसर इज मेरा 6.5 × 10^4, ये 10^4 है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, सेम वही राइट आंसर इज भी 60,000 मिले वोट कन्वर्ट करना। देख इससे आपको आइडिया लगना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं CIL एग्जाम में। एक डेमो टेस्ट है, आपको उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी, मैंने कौन से ऐसे होता है कि ये सब चीज़ जो होते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है इस तरह क्वेश्चन को बनाते नहीं हैं, बोलते हैं यार इतना ईजी है, लेकिन इसी तरह आते हैं। तो देखिए ईजी रहे चाहे हार्ड, नंबर ऑफ मार्क्स तो आपको सेम मिलेंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन करो, ठीक है। तो क्यों ये सबको छोड़े, तो इसलिए नेक्स्ट करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे फिर नया क्वेश्चन आया है, ओके। यहाँ देखिए, द करेंट थ्रू 120 मिली हेनरी कॉइल इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 150 mA/s, द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल। तो आपको पता है क्या होता है, वी इज इक्वल टू LdIdt। 120 दे दिया है, हाँ DIdt यहाँ पर दे दिया, चेंजिंग एट रेट मतलब कि DIdt 150 है, तो 120 × 150 कीजिएगा, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 180 mV, ठीक है, क्योंकि मिली हेनरी है ऊपर, तो 10 यहाँ पे आप कर लीजिएगा, 180 mV आएगा, ठीक है, सॉरी 18 mV आएगा, नीचे 10 कटेगा। इसे आप कैलकुलेशन से चेक कर लीजिए, और सिंपल वी इक्वल टू LdIdt पुट कीजिए, जो है कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए, ठीक है। देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया है या नहीं दिया, इसमें तो ऐसे नहीं शो हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बोला 2 mH, 3.3 mH, 0.2 mH इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सिंपल आपको पता है इंडक्टर कैसे जुड़ता है, सेम एज द रजिस्टर, तो राइट आंसर इज 5.5 mH। नेक्स्ट, द करेंट थ्रू 120, सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन, 18 mV।
बोला कि व्हेन द करंट थ्रू एन इंडक्टर डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है कि जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू होता है मेरा हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे मेरा जो करंट है कम हो रहा है, तो ऑब्वियस है करंट कम होगा तो मेरा एनर्जी भी कम होगा। तो इसमें तो ऐसा बोला नहीं, इसमें डिग्रीज राइट आंसर यहाँ पे होगा डिग्रीज, हाफ एल आई स्क्वायर, आई का वैल्यू कम हो रहा है तो ई का वैल्यू भी कम रहेगा। नेक्स्ट द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, यहाँ पे डी आई डी टी 20 दे दिया और एल दे दिया 8। तो सिंपल सेम वही बी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी पे पुट कीजिए, एल मेरा 8 दिया हुआ, डी आई बाई डी टी 20 दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 160 मिली वोल्ट, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट सेम सीरीज में ऐड है, राइट आंसर इज बी 5.5 मिली हेनरी। व्हेन द करंट थ्रू एन इंडक्टर डिक्रीज, सेम रिपीट क्वेश्चन, लेकिन देखिए इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसा आपको पढ़ना है, पैटर्न कैसा, और जो क्वेश्चन आएंगे जो टेस्ट सीरीज आएंगे, देखिए बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज होते हैं जो रिलेटेड नहीं रहते हैं, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग मूव करेंगे, ये अभी 160 मिली वोल्ट। द वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कैन बी इंक्रीज बाई, देखिए ये थियोरिटिकल क्वेश्चन यहाँ डाला गया, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए एकदम कंठस्थ। तो यहाँ क्या होगा कि रेजिस्टेंस क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल वाई है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स नहीं चेंजिंग द कोर मटेरियल यूजिंग ए थिनर वायर, ठीक है। तो थिनर वायर यूज करने से क्या होगा, मेरा एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई रहेगा, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न यूजिंग, तो यहाँ पर यूजिंग ए थिनर वायर, राइट आंसर। नेक्स्ट वाइंडिंग रेजिस्टेंस कॉल सेम वही है, देखिए फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया हो गया है कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आप इसी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, हम लोग उसी तरह का क्वेश्चन लाएंगे, इसी तरह का जो टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो आपको प्रिपरेशन जो है अच्छे से बूस्ट हो जाएगी। चलिए फिर, थैंक यू, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।